हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मेरी स्क्रीन पे आपको ये पर्पल कलर का फूल दिख रहा होगा, छोटा सा, बहुत प्यारा सा फूल है। अभी ये पूरा खिला नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है, तो थोड़ी देर में ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पर्पल हार्ट प्लांट है और इसमें ऐसे ही छोटे छोटे फूल आते हैं पर्पल कलर के, और इसकी पत्तियाँ भी ये पर्पल कलर की होती हैं। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को देखते रहिए एंड तक, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको तो इसको लाइक और शेयर करिए, और अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, करते हैं इसके बारे में बात। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ये एक बास्केट में लगा हुआ है, और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगते हैं। इसकी मैं कहीं से कटिंग लेकर आई थी, छोटी छोटी सी, वो मैंने इसमें ग्रो कर दी थी, और अब ये देखिए मेरी पूरी बास्केट भर गई है ये, और इसमें न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है। देखिए ये मेरी इसमें न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है, सब में पूरे में ये नए नए प्लांट्स छोटे छोटे निकल आए हैं, और इसमें इसी ढंग से फूल खिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको कहीं से भी छोटी सी कटिंग ला के लगा सकते हैं, और ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है और बहुत सुंदर लगता है हैंगिंग बास्केट में। कुछ लोग इसे हैज की तरह भी लगाते हैं, तो पूरे ग्राउंड को कवर कर लेता है ये। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इसके फूल जो मुरझा जाते हैं, इनको आप यहाँ से कट कर दीजिए, और आप इसकी कटिंग को कहीं भी, इस वाली कटिंग को भी कहीं भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये जो मुरझाए हुए फूल हैं, मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, यहाँ से कट कर दूँ, और मैं इसको इस कहीं पर भी लगा सकती हूँ और ये ग्रो हो जाएगी। तो मेरी तो बास्केट लगभग भरी गई है, ये कोना खाली है, मैं इसको यहाँ पर लगा देती हूँ। तो हम इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं। अगर आपको एक दो कटिंग भी कहीं से मिल रही है, तो आप उसको ले आइए और अपने किसी बास्केट में या किसी पॉट में लगा दीजिए, और फिर उसके बाद में जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तब आप उसको कट कर करके और पूरी अपनी बास्केट भर सकते हैं, या जिस पॉट में भी आपने लगाया है। तो फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, और इसमें पानी, इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है पानी की, क्योंकि ये भी एक सकुलेंट की तरह ही प्लांट होता है। ये देखिए, इसकी पत्तियाँ जो हैं, ये कुछ जो हमारी नॉर्मल पत्तियाँ प्लांट्स की होती हैं, उनसे थोड़ी सी अलग हैं। ये थोड़ी जैसे मोटी मोटी सी हैं, इसमें अंदर लगता है जैसे पानी भरा हुआ है, तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको जिस भी पॉट में आपने लगा रखा है, बास्केट में या पॉट में, तो जब आप इसको पानी दें तो खूब अच्छे से पानी दें, और जिससे कि पानी नीचे तक निकल जाए, इसकी जड़ों को पूरा पानी मिल जाए। उसके बाद में जब आप इसको पानी दें, तो जो इसकी मिट्टी जो है वो ऊपर से 1-1.5 इंच तक सूख जाए, तब आप इसको पानी दें। तो फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसको एक दिन छोड़ के भी पानी दे सकते हैं, 1 दिन 2 दिन। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए कि ये बहुत ज़्यादा धूप जो है इसको, दोपहर वाली, वो इसको ना लगे, वो इसको बर्दाश्त नहीं होती है, और सुबह शाम की धूप इसको मिलती रहे तो अच्छा रहता है। ये देखिए, इसके जो मुरझाए हुए फूल हैं, ये देखिए मैंने ये कट कर दिया, क्योंकि मुझे कटिंग की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा, क्योंकि मेरी बास्केट पूरी भरी हुई है, और इसमें नए नए शूट्स, ये देखिए कितने सारे निकल रहे हैं, ये देखिए पूरी मेरी बास्केट भर गई है ये, और मेरी बास्केट जो है फ्रेंड्स, मैं टांग नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बंदर जो हैं वो नहीं छोड़ते हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने आप लोगों के साथ अपना कोकोडामा शेयर किया था, तो उसमें मैंने दो बनाए थे, एक नारियल की जटाओं से बनाया था, और एक मैंने लकड़ी का जो रंधन होता है उससे बनाया था। वो रंधन वाला जो है वो मेरा रखा हुआ है, और जो मेरा कोकोनट फाइबर वाला था, वो बंदर जो है उसको नारियल समझ के ले गए, और मेरा उसमें स्पाइडर प्लांट लगा हुआ था, बेबी प्लांट, वो भी मेरा चला गया, और बस वो पता नहीं उन्होंने कहीं ले जाके फेंक दिया होगा, मेरा नुकसान कर दिया, मेरा कोकोडामा ले गए वो, तो इसलिए मैं अपनी बास्केट को टांग नहीं पाती हूँ, वो ख़राब कर जाते हैं। तो ये मैंने एक जगह रखी हुई है, तो अभी मैं उठा के लाई हूँ आपको दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसकी अगर आप धूप में रखेंगे, तो इसकी पत्तियाँ जो हैं, जो तेज वाली धूप होती है, उससे ये पत्तियाँ इसकी ग्रीन ग्रीन हो जाती हैं। ओ सॉरी,
जब आप इसको छाया में रखेंगे तो इसकी पत्तियां ग्रीन हो जाएंगी, और धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जो हैं वो इसी तरीके की रहेंगी। लेकिन धूप में भी इसको, जो दोपहर वाली धूप नहीं होती है, दोपहर वाली धूप जो होती है वो उसमें इसको नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स, इसको हम कटिंग से ग्रो करते हैं, और इसको खाद पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बस आप एक बार मिट्टी अच्छे से बना लें और ये उसमें अच्छे से चलता रहेगा, तो इसकी ज़्यादा केयर भी हमें नहीं करनी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ ये, अगर एक बार हम कहीं से ले आते हैं तो ये हमारे यहाँ परमानेंट बना रहता है। तो फ्रेंड्स, इसको आप लगाइए अपने गार्डन में, हैंगिंग बास्केट में या पॉट में, या आपके यहाँ अगर जगह है तो आप इसको जमीन में भी लगा सकते हैं। तो और अगर आप एक बार ये प्लांट अपने ले आते हैं तो आपके यहाँ ये प्लांट हमेशा रहेगा, ये मरता नहीं है जल्दी। इसको अगर बहुत ज़्यादा आप पानी देंगे तभी इसको नुकसान हो सकता है। और जो है, बस इसको आप लगाइए अपने बास्केट में, इसकी कोई केयर भी नहीं करनी पड़ती है खास। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है, और आगे फिर हम किसी और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।